की चुस्की के साथ चुनाव पर बात। मैं हूं अनन्या आपके साथ। तो आज यानी 16 मार्च को दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में हम ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। तो हम आम जनता से बात करेंगे, सरकार की चाहती है या सत्ता में परिवर्तन चाहती है। तो आइए हम लोगों से ही बात करेंगे कि उनका चुनावी मूड क्या है और जनता की राय क्या है। तो लोकसभा चुनाव के लिए आपकी राय क्या है? हमारे को तो भाजपा चाहिए जो अच्छा काम करे। तो आप मौजूदा सरकार से खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश है। और वो है तो हमारा सनातन धर्म ये है। अच्छा। इसको पूछो और क्या करना चाहिए। आपकी क्या है लोकसभा चुनाव पे बताइए। आप मौजूदा सरकार से खुश हैं? खुश है। अच्छा। तो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई है उनका लाभ आपको मिला है? बहुत सुंदर। लाभ की जरूरत ही नहीं है हमको। कितना भी टैक्स लगाओ कोई कमी नहीं है। बस देश का ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए देश का, जिससे सभी का फायदा हो। और जो सरकार कर रही है ऐसे 70 साल में नहीं हुआ जो ये सरकार ने किया है। तो बीजेपी सरकार के कुछ काम आप बता दीजिए जो उन्होंने किया हो। कौन? जैसे कुछ काम आपको जो पता हो बीजेपी सरकार ने किया हो भाजपा ने, वो बताइए। बताओ, 370 हट नहीं सकता था, 370 उन्होंने हटाया। उसके बाद में जो भी चेंजेस किए हैं अभी देश के लिए, आज देश का नाम इतने ऊपर लेके गए और पूरे देश में हम अब अभिमान से घूम सकते। कई हमें तो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा सब घूम के आया, पर हमको अलग नज़र से देखते थे। अब दुनिया में लोगों की नज़र अलग हो गई, बहुत अच्छे ढंग से लोग हमको ये करते हैं, हमारे वैदिक जो है उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सभी फॉरेन के लोग यहाँ आ रहे हैं अभी हमारी वैदिक भाषा सीखने, हमारा ये। तो भाजपा सरकार का वो काम बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो। सबसे पहले हमारे सनातन धर्म को जगाया है जो लुप्त हो गया था। उसके बाद में हमारा जो देश की तरक्की है, जो देश को एक नंबर पे ले जा रहे हैं, एक नंबर पे हमारे देश को ले जा रहे हैं, उसको कितना साल लगा उसके लिए, थोड़ा समय दो उनको, देखो हम कहाँ जाएंगे, हम नंबर वन होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या राय है? राय यही है कि जो अभी हमारे देश में चल रहा है, जो CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, जो हमारे मतलब प्रधानमंत्री एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पास किया गया है, ये चूँकि ये बहुत अच्छा है, ताकि जो 2014 से पहले के जो शरणार्थी आए हैं, मतलब हमारे देश के, बाहरी देश के नेबर्स जो हमारे हैं, तो उनको पहली बात की सिटीजनशिप मिल रही है। ऊपर से जो उसके बाद आए हैं तो हमें पता तो चलेगा ना कि कितने इसमें अवैध रूप से रह रहे हैं। तो ये एक अच्छा उनके द्वारा स्टेप लिया गया है। और दूसरा ये है कि दूसरा आपका ये है कि जो UP में हमारा राम मंदिर पहला बड़ा, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि बहुत सालों से ये चलता आ रहा था और हर पार्टियां केवल इसके लिए बस वोट के लिए बस बोलती थी कि बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन किसी ने इसमें अपना समर्थन और निर्णय नहीं दिया, क्योंकि ये एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो कि अब इसे क्लियर कर दिया गया है। और हमारे जो क्राइम्स, जो इतने भी क्राइम्स थे यूपी में, वो भी तो बहुत सारे कम हुए हैं। तो बस यही है कि अगली बार तो भाई मोदी सरकार 400 पार आना ही है। और अभी तो मतलब आर्टिकल 370 भी इन्होंने हटाया, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा चुनाव का मुद्दा था। फिर से अभी फिर आपके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, फिर से आपका जितना भी इसमें ये प्राइवेट सेक्टर्स में जो अपना स्टार्टअप्स वगैरह के लिए जो प्रमोट किया जा रहा है, वो भी एक तरीके से बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा पूरा यूथ, नौकरी कितनी है, नौकरी अगर 10 है तो 10 करोड़ तो अपनी पूरी आबादी ही हो जा रही है। तो भाई सबको तो पॉसिबल नहीं है, वो तो पॉसिबल है नहीं, तो उसके लिए भाई अपना स्किल्स वगैरह डेवलप करो और भाई नौकरी लो, बात ख़त्म। बस यही है कि अच्छी है। और इसमें कुछ कुछ खामियां भी हैं कि भाई अब वो तो इंटरनली जो है वो तो सब में होती है, सब कोई दूध का दूल्हा होता नहीं है। तो बस यही है कि अब भाजपा जो है, चूँकि उसका चेहरा भी बहुत तगड़ा है और अच्छी भी है, ऊपर से अपने अमित शाह जी हैं, वो तो भाई उनकी तो कोई बात ही अलग है। और अपने जो कांग्रेस वगैरह ये सब, देखिए पार्टियां अच्छी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके मतलब उनको जो करना है बस बोलने, थोड़ा एक होता है कि हाँ फेस वैल्यू जो होती है वो नहीं है, इसी वजह से थोड़ा पीछे रह रही है, नहीं तो वो भी कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो भाई ऐसा तो है नहीं कि कुछ गलत निर्णय लेंगे, बस यही है। तो आप मौजूदा सरकार से खुश हैं? हाँ, उससे भी खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। आप सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहते हैं? नहीं, सत्ता में तो ही परिवर्तन नहीं चाहते हैं, फिलहाल तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाई अभी बढ़ना है तो भाई मोदी को आना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या राय है? मेरी राय भाजपा के लिए बहुत सही है,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबके लिए गौरवशाली राम मंदिर का निर्माण कराया है, वो हम सब भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। तो मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? जी हाँ, बहुत खुश हूँ। तो क्या कहते हैं, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई उसका लाभ आपको मिला है? जी हाँ, मेरे को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। अच्छा, तो जैसे कुछ योजनाओं का लाभ मिला तो उनकी सुविधाएं उसमें कौन कौन सी मिली हैं बता दीजिए। मैं बेसिक तौर पे एक बिजनेसमैन हूँ, उसके साथ एक फार्मर भी हूँ। मुझे साल में 6,000 रुपये का भाजपा सरकार की ओर से, जो कहना चाहिए प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत आता है, उसके तौर पे 6,000 रुपये साल का ऐसा मिलता है, जो हर किसान को मिल रहा है आज की स्थिति में। तो आप मौजूदा सरकार की वापसी चाहते हैं या सत्ता में सरकार का परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल वापसी चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वापसी चाहते हैं। तो आप उनको खुला समर्थन देते हैं, बीजेपी सरकार को? बिल्कुल जी हाँ, खुला समर्थन है मेरा और मैं भाजपा की बहुत सारी नीतियों से खुश भी हूँ। और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ बीकॉम फाइनल ईयर का, उस हिसाब से मेरा समर्थन भाजपा सरकार को है। तो कॉलेज में स्कॉलरशिप टाइम पे मिल रही है जो सरकार की तरफ से दी जाती है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट टाइम टू टाइम तो नहीं मिल पाती। दो चार दस दिन हर काम में लेट होता है, बट मिल रही है। मेरा वोट तो ऑब्वियसली भाजपा ही को जाएगा, आपको मेरी इतनी सारी नीतियों से पता है, समझ में आया होगा कि मेरा समर्थन भाजपा ही को है। तो भाजपा के कुछ ऐसे काम बता दीजिए जो आपको बहुत पसंद आए हों। भाजपा के इतने सारे काम है कि आप और हम गिन के थक जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जल योजना, जैसे कि और प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो प्रधानमंत्री जी ने करवा दिए, जो कि ना पुराने अपन बीते हुए कल में जाएं तो पिछले 100 साल में जो काम नहीं हो पाए, जो भाजपा सरकार ने 10-12 साल में करवा दिए। लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या राय है? राय का मोदी जीतावा जी हो, कौन राय है? अच्छा, तो आप मौजूदा सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। अच्छा, तो सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहते हैं? अब का जैसे गुंडा राज के भैया खत्म हो गया है, अब उनके भैया गुंडा राज बहुत रहा है। तो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई उनसे आपको लाभ मिला है? लाभ का मिला है, कुछ नहीं मिला है, लेकिन हमको खुश है कि जनता वही सही रहा है वो। अच्छा, मतलब लाभ मिले बिना आपका यही है कि मोदी सरकार? हाँ, गुंडा राज तो न रही। तो ऐसा क्यों? ऐसे मतलब किस लिए आप उनको वोट देंगे? वोट इससे देवे कि जैसे हमारे उधर राजनीति दूसरी में रह रहा है, तो उनके वजह से कुछ हमका सबका लाभ मिल रहा है। आपकी क्या राय है? हम लोग मोदी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, तो मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? हाँ। तो आप सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहते हैं? हमको तो, हमको लोग को हर चीज मिला है। तो आपको योजनाओं का लाभ मिला है? और क्या, कॉलोनी मिली है, लेटरिन मिली है, सारा व्यवस्था मिला है हम लोग को, पेंशन भी मिल रहा है बाप माता को। लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या राय है? मैम, इसके बारे में हम क्या बताएं आपसे। तो आप मौजूदा सरकार से खुश हैं? अब मौजूदा सरकार से ये है कि अगर वो अब यहाँ पर नौकरी वगैरह की दिक्कत रहती है, ठीक है, आजकल के जो युवा हैं वो पढ़ लिख करके भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो कहना यही है, सरकार कोई भी हो वो जनता के लिए काम करे, वही सरकार अच्छी। तो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई है उनका लाभ आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं नहीं, अभी कोई लाभ नहीं मिला है। अच्छा। और यहाँ तक कि सही समय से स्कॉलरशिप भी बच्चों को नहीं मिल पा रही है। तो क्या कहते हैं आप, मतलब मौजूदा सरकार से खुश नहीं है, सत्ता में परिवर्तन लाना चाहते हैं? नहीं, खुश और नाखुश की कोई बात नहीं है, सरकार कोई भी हो जैसा कि मैंने कहा। हाँ। बस ये है कि सरकार कोई भी हो, जनता का ख्याल रखे। हाँ। रोजी रोटी बेरोजगारी जो है वो दूर हो, ठीक है। हाँ। इसी से जनता खुश होगी। सरकार कोई भी काम करे जो जनता के भलाई के लिए करे, वो सरकार अच्छी। तो आप मौजूदा सरकार के समर्थन में है या नहीं है? नहीं, समर्थन तो मेरा सभी के साथ में है। अच्छा। जो सरकार अच्छा काम करेगी उसी मेरा समर्थन। सभा चुनाव के लिए आपकी क्या राय है? मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? हाँ, खुश हूं। अच्छा, तो आप सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहती हैं? नहीं। तो जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई हैं उनसे आपको लाभ मिल रहा है? लाभ तो हमें नहीं मिला कोई भी। अच्छा, लाभ नहीं मिला फिर भी आप सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं? अच्छा, तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनके में गुंडागर्दी है, मारपीट ये सब नहीं होती है। अच्छा, इस वजह से। हाँ। तो इसी वजह से आप सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहती है। तो आप वैसे किस सरकार का समर्थन करती हैं? हम मोदी सरकार का समर्थन करते हैं। अच्छा, तो आपका खुला वोट मोदी को ही जाता? हाँ, है। हाँ, मोदी को ही जाता है। जैसा कि इनका कहना है कि इनको कोई भी सुविधाओं का या योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उसके बावजूद भी वो भाजपा को ही वोट देंगी। तो आप मौजूदा सरकार से खुश हैं?
हाँ बहुत ज़्यादा। तो आप सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, तो आप सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहते हैं? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं और जो योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, तो वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, मिलना चाहिए। तो योजनाओं के लाभ से आपको कौन कौन सी सुविधाएं अभी तक मिली हैं सरकार की तरफ से? अब ये हरामखोरी बदमाशी इस तरह के वातावरणों से बचाते जनता को, और जो भी योजनाएं हैं, लाभ है, राशन है, ये सब सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, तो आप किस सरकार का समर्थन कर रहे हैं इस वक्त? अब कमल ही रहेगा, वही चलता रहेगा। लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या राय है? मैम, हमारी तो यही राय है कि चुनाव हो रहा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो योजनाओं का लाभ आपको सरकार की तरफ से मिल रहा है? हमें को क्या, सभी को मिल रहा है। अच्छा, तो अगर योजनाओं का लाभ मिला है तो उनमें कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिली हैं? मैम, जैसे हम लोगों को तो किसान निधि का मिलता है ना, बाकी और भी सब चीज़ें हैं। लाभ लेना चाहो तो सरकार तो दे ही रही है, बट ये आदमी को घोषित तो करनी चाहिए ना। तो मौजूदा सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल। तो आप सत्ता में परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं? यही गवर्नमेंट चाहते हैं, जो है यही चाहते हैं। तो आप खुला समर्थक इसी मतलब सरकार की करते हैं? बीजेपी का ही है। तो आप इस बार वोट आपका किसको जाएगा? हमारा तो इन्हीं को जाता है, बीजेपी को ही जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने जनता का राय जानी और जनता के मूड के बारे में जाना, जो चुनाव से है जुड़ी हुई, तो उनके मूड आपने देखा कि ज़्यादातर लोग हैं जो वापसी चाहते हैं सरकार की, बहुत कम ही लोग हैं जो सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। किसके सर सजेगा ताज, ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, मैं अनन्या, कैमरा पर्सन प्रिया के साथ।